हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग रविता गुंजी। दिन का टाइम है, लंच का टाइम, और समझ में नहीं आ रहा था क्या खाएं आज, क्या बनाएं। और हम लोग बना रहे हैं आज शिले का जादू, और रोटी सब्जी दाल चावल खा के और ये पार्टी वाला खाना खा के तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा रोज़ हैवी हो जाता है। तो आज हम दिन में हल्का लंच करेंगे, और टुमो अब बनाना शुरू कर रही है। मैं जाती हूँ रसोई में, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। आज हम बना रहे हैं छिले का जादू। दाल चावल रोटी सब्जी खा के बहुत बोर हो चुके हैं। दिन का टाइम है, लंच का टाइम 2 बज रहा है, तो टुमो ने कहा कि आज छिले का जादू खाते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का भी हो जाएगा। बहुत दिनों से बहुत हैवी खाना हो रहा है, कभी मटन, कभी चिकन, कभी क्या, कल पार्टी, वैसे ही वहाँ पर किटी में भी हैवी खाना। ये शिले हमारे यहाँ का शिले है, इसको फाफर बोलते हैं ना, हिंदी में फाफर बोलते हैं। इसको रोटी बना के भी खाते हैं और ऐसे भी खाते हैं, जिससे कि टेस्ट में भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, और थोड़ा गैस की बचत हो जाती है, और जिसको बनाना है उसको रसोई में बहुत देर तक लगे रहना नहीं पड़ता है। नहीं तो एक एक रोटी बनाते बनाते तो इतनी गर्मी में हालत ख़राब, ना बारिश हो रही है ना धूप ढंग से आ रही है, लेकिन गर्मी उमस बहुत ज़्यादा है देहरादून में भी। और शिले का जादू जो है खाते हैं हम लोग दूसरा के साथ। ये भी बूती बना है, मट्ठा, मिर्च वाला मट्ठा बना है अभी अभी, दही का भी दूसरा बनाएंगे। और ये लाल दूसरा पीस के तैयार है, और एक और बैटर तैयार है, मैदू वड़ा बनेगा आज इसका। इसको दाल को पीस के रख लिया है और तेल चढ़ा रखा है, अब ये खाएंगे, उसके बाद बनाएंगे मैदू वड़ा। शिले का जादू, इसका नाम है शिले का जादू। जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन इसको गर्मा गर्म खाते, इसको घी के साथ भी खाते हैं, इसको दही दूंछा के साथ भी खाते हैं, और इसको ऐसा पतला ग्रेवी जैसे छाछ का मिर्च वाला ग्रेवी उसके साथ भी खाते हैं। जैसा आपको टेस्ट अच्छा लगता है इसको वैसे ही खा सकते हैं आप लोग। लाइट मुनीला हले, और टेस्ट बहुत अच्छा है। मुनीला हले लाइट, मीठा मीठा। मशीन चल रहा तो लाइट है ना, उठ रही है, मशीन चल रहा तो बिल्कुल। ऐसे ही बैठे थे, क्या बनाएं क्या बनाएं, रोज यही हो जाता है दिन का टाइम, खाना क्या बनाएं, नाश्ता भी देर से करते हैं तो पेट भरा हुआ ही है। मना किया लेकिन भाभी को रहा नहीं गया, तो इन्होंने कहा कि चलो यही बनाते हैं, हल्का फुल्का खा लेंगे। सुबह भी खा लिया था हमने शाही पनीर, रोटी, फ्राई राइस, अब कितना खाएंगे, दिन भर खाते रहेंगे। देहरादून आने के बाद तो खा के सो के घूम के बस इतना ही काम हो रहा है, बाकी तो काम कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन दिन में अभी नहीं खाया करके लग रहा होगा कि कुछ नहीं खाया, इसलिए थोड़ा सा हम लोग ये जादू टेस्ट करेंगे आज। इसको बहुत अच्छे से मतलब जोर लगा के घुमाना पड़ता है, ताकि इसका जो वो है आटा है बीच में गांठ ना बने, इसमें लम्स ना पड़े, लम्स ना पड़े, जिससे कि खाने में मुंह में आएगा, फिर वो लम्स में अंदर से फोड़ेंगे तो आटा आटा जैसा हो जाता ना, वो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए भाभी खूब जोर लगा के बना रही है। इसमें भी मेहनत बहुत है भाई, पसीने बहुत निकल जाएंगे इसमें भी। पहले पानी को उबाला, उसमें हल्का सा नमक डाला, हल्का सा नमक डाला, घी डाला जिससे कि चिपके नहीं, और थोड़ा सा घी डाला, और उसके बाद फिर आटा डाल के उसको घुमाते रहे खूब बढ़िया स्मूथ होने तक, जिससे कि खाते समय भी गले में स्मूथली निकल जाए खाते समय भी पेट के अंदर बढ़िया तरीके से फिसल के दें, फिसल के फिसल के जल्दी करो यार, ये बच्चे नहा धो के कुतक रहे हैं। दीपी जल्दी कर, बन गया। आमा को जगाओ भाई, आमा करो चिंदो, रोज यही काम हो रहा है, खाने के सिवा तो कुछ नहीं हो रहा है। जादू बन के रेडी हो चुका है, अब इसको मट्ठे का जो मिर्च का बना रखा है उसको जुम्बू से छौके ले आई टुमो, अब इसके साथ खाएंगे।
साफ करो मैं दिखाती हूँ। जम्बू की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे घर में जम्बू की खुशबू फैल गई। कोई घी से कोई चलाते मजे लुका सा जो सब जादू ले लो ले लो जैसा अच्छा लगता है वैसे खाओ, घी के साथ है वैसे, इसको घी के साथ ऐसे भी खाते हैं, घी के साथ ऐसे भी खाते हैं। मैं तो पहले उसी के छाछ वाले के साथ खाऊंगी फिर देखती। जादू जादू तेरी नजर आप खाओ खाओ तुम ठंडा हो जाता खाओ। घी के साथ खाए इसको, इसके साथ इसको घी के साथ सब मिक्स हो जाएगा साथ में। इसको ऐसे कहते छाछ छाछ में खाऊं, थोड़ा देना ज्यादा नहीं है, मैंने उसमें छाछ उड़ डाल दी। कलची 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 इसको घी के साथ भी खाते हैं। घी के साथ भी बहुत टेस्टी लग रहा है। घी के साथ भी बढ़िया मीठा मीठा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। नमक डाल रखा ना उसका दामा मीठा बोली मीठे मीठे हाँ आप खाओ ना गरम लगा दे। ये क्यों छुप गया ये पर खाया छुप गया रहा अभी क्या चीज है वो ओए मार खत्म मेरा से छिले का जादू जैसा नहीं लग रहा, बढ़िया मीठा मीठा हो रहा है जगह जगह जाऊंग किलोमीटर चलना है बोले थे बोल एक बार बेटा मैं जाती तो हाँ सुनाएगी जा पेट में तो कॉकटेल हो जाएगा मेदू बड़ा खा के शीले का जादू खा के।
बाप रे चावल भी गरम है ले खा लो कने चिल्ली का जादू तो खा लिया है अब ये बन रहा मेदू बड़ा पलट ना पलट रहने दो पलट दिया तभी चढ़ा मैं खा रही थी ना पानी गिरने की आवाज आ रही है खुला तो नहीं है देखो ये तो यार सिमझम थोड़ा सा वो आता है फुर्ती आती है शरीर में फ्रेश हो जाता है ना आदमी आलसपन थोड़ा दूर हो जाता है कम से पता नहीं क्या हिम्मत नहीं करती है इसको जितना ये करेंगे बढ़िया इसका ना वो फ्लफी बनता ना क्या ला सब फीड नहीं गुबरी कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती दही बड़े बनाने के लिए भिगाया था लेकिन अब बना रही है मेदू बड़ा कांजी वाला ये तो हुआ ही वही अलग हुआ इसका ये सब यही चीज है कांजी बनाते हैं ना ये लोग उसको भी तो कितने दिन फरमेंट करके रखना पड़ता है सब्जी अब्जी का अच्छा होता है उससे भी नहीं बिना सब्जी के भी पानी पानी वाला भी अच्छा होता है वो मैंने खाया नहीं कभी भी मैंने लखनऊ में रजिजा में क्या खाया था लेकिन स्वाद अच्छा होगा लगता है हाँ अच्छा होता है दिखने में पानी जैसा लगता है लेकिन अच्छा होता है वो बना दी थी ना इधर कांजी तो पिला दी थी वो कांजी वैसे हर चीज में फायदा करता बोलते हैं उसको भी पता नहीं क्या डाल के थोड़ा परमंड होने के लिए रखते हैं चुकंदर गाजर ये सब भी होता है ना काट के फिर काला वाला वो नहीं होता सरसों राई उसको पीस के डाल देते हैं काला नमक बंद करके रख दो उसको फरमंड पलट दो हाँ हाँ इसमें दही भी डाल के खा सकते हैं और इसको वो मट्ठे की ग्रेवी में डाल के भी खा सकते हैं इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं सब आपके मन का है और दही बड़े का पूरा उसका जो जो दही बड़े में पड़ता है मसाले वगैरह सब डाल के दही डाल के भी खा सकते हैं बैटर तो वही हुआ बस थोड़ा सा शेप चेंज हो गया रिंगटोन रिंगटोन ए रिंगटोन मैं वाला रिंगटोन याद है क्यों रो रहा बसते रहे तू बस लोहे की कढ़ाई में जादू बनाने के बाद जो जादू में चिपक उससे लोहे की कढ़ाई में चिपक जाता ना उसको लोहे की कढ़ाई गर्म करने के बाद इसको खाओ इतना मज़ा आता है ये डोसा जैसे लगता है क्रंची क्रंची टेस्टी चाहे मडबू का जादू हो चाहे चिले का जादू हो या मक्के का जादू हो बड़ा अच्छा लगता है क्रंची क्रंची जो उसका लेयर निकलता ना क्रंची क्रंची डोसे की तरह खा उन्होंने एक हल्द्वानी से काम वाली बुला रखी है बहुत ही बढ़िया काम करती है
ए टू जेड बढ़िया। देखो कितना बढ़िया झाड़ झाड़ के झाड़ू लगा रही है दिन में 2 बजे। थोड़ा इरिटेट चिल्लाती बहुत है, काम सब करती, काम मतलब हाथ में पकड़ लिया तो सब करके छोड़ दिया है, नहीं पकड़ा तो फिर राम राम। बढ़िया झाड़ू लगा रही है, देखो कोने कोने से पूरा कूड़ा निकाल रही है। पोछा भी लगा देगी, कपड़े भी धो दिए इसने, सुखा दिया है। और अभी खाना खाते समय ब्रेक लिया था, कितना बढ़िया झाड़ू लगाती थी। देखो यारे झाड़ू को बिल्कुल हाथ से बालों को खींच खींच के, जो झाड़ू में बाल फंसे हुए हैं उनको खींच खींच के, एक ईटी चढ़ रहा है, चीटी चढ़ रहा है, नीचे कर दो। तैयार हो गए बड़े, किस किस को खाने हैं जल्दी आ जाओ। मेदू बड़े और ये मेदू बड़े और ये दही बड़े, ये दही बड़े और ये मेदू बड़े, जो पसंद है खा लीजिए भाई। जिसे भी खाना हो, जिसे भी खाना है तुरंत आ जाए, देहरादून का टिकट काट के, हो सकता है आपके पहुंचने से पहले खत्म हो जाए। कितने बढ़िया स्पंजी फूले फूले बन रहे। बस अब शाम तक आ रहा हूँ, रसोई क्लोज करो और लेट जाओ एसी में। देहरादून आने के बाद डेली का यही काम हो रहा है, सुबह से खाना पीना, दिन में खाना, फिर शाम को खाना, दिन भर कुछ ना कुछ खाना, खाते खाते टंप हो गया, कभी बाहर जाना कभी बाहर खाना। आज टुमो सुबह तैयारी कर रही थी वड़ा बनाने के लिए, और दिन में कहा उन्होंने कि चलो आज शिले का जादू खिलाते हैं, तो मैंने सोचा चलो छोटा सा वीडियो बनाया जाए, ब्लॉग बनाया जाए, जैसे कि पता चले हम शिले का जादू कैसे खाते हैं। हमारे रंग लोग तो जानते हैं कि शिले का जादू कैसे बनता है, कैसे खाते हैं और क्या चीज़ है ये करके, और लेकिन और लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने ये छोटा सा ब्लॉग बनाया आप सबको दिखाने के लिए। ये मेरा वीडियो आप सबको कैसे लगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट व्लॉग का। ओके, हैव अ गुड डे, टिल देन बाय।